हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स सुनने के सेक्शन। ओके, देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं वो इस रिश्ते में। ओके, सभी जोडियक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, तो जितने समय बाद भी आएगी आप इस रीडिंग को देख पाएंगे और इससे गाइडेंस ले सकेंगे। ओके, करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या है उन्हें लेकर बताएं। ठीक है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव होना है और रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। क्वीन ऑफ डायमंड्स, ओके, वाओ, एट ऑफ डायमंड्स, ओके, यहाँ तो बहुत प्यारी सी एनर्जी आ रही है। और आगे कार्ड्स लेते हैं हम। वाओ, मुझे लगता है कि जो भी लोग मेरी रीडिंग देखेंगे, जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देखेंगे, वो अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होंगे। आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि उन्होंने जब रिश्ता शुरू हुआ होगा तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे होंगे, और चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं पूरी तरह से ध्यान आपके ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई एक ऐसा पर्सन हावी है आप दोनों के रिश्ते पर, जो जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई हैं आप दोनों के बीच में। प्यार काफ़ी था, प्यार अब भी काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ये जो थर्ड पर्सन है ये किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनवाने की पूरी कोशिश करता रहता है, पूरे टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है, नेगेटिव एनर्जीज यूज़ करता है। ओके, इस सबसे परे हट के अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बहुत प्यारी दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर आपको कॉल और मैसेज पे बात करना चाहते हैं। मैसेज पे तो छोड़िए, कॉल पर ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि एट ऑफ डायमंड्स आए हैं हमारे पास। वो आपसे बात करेंगे तो अपने दिल की सारी बातें आपके सामने खोल कर रख देंगे। मतलब वो हमेशा कुछ छुपाते होंगे, लेकिन इस बार आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। जो जिस रीज़न की वजह से, जो सच्चा रीज़न था, जो सही रीज़न था, क्योंकि जिस वजह से उन्होंने आपसे सेपरेशन किया और ब्रेकअप किया है वो सही रीज़न नहीं था। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो रीज़न ऐसा था, मतलब सिर्फ एक रिश्ता ख़त्म करने वाला, ठीक है। पूरी तरह से वो रीज़न आपको अभी तक पता ही नहीं है जिस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। वो सारी बातें आपके दिल अपने दिल की सारी बातें आपके सामने खोल कर रख देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा उन पर गुस्सा आ सकता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने अब तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं आपके पार्टनर ने, और इस बार अगर आपने उससे गुस्सा कर दिया सच सुनने पर, तो शायद फिर आगे आपको सच नहीं बताएंगे। रहेंगे तो आपके साथ, बात भी करेंगे, लेकिन सच नहीं बताएंगे। उनको लगेगा डांट पड़ेगी मुझे अगर उन्होंने आपकी बात सच बताया तो। इस सच से हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो। आर्ग्यूमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गाइडेंस है आपके पास कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो यहाँ पर ज़रा आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा आप। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसे दिखाई दे रही है कि वो फूल वाली एनर्जी नहीं होती हमारे टैरोट में, वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो जैसे बिना सोचे समझे झूठा सच्चा रीज़न उन्होंने दिया
और रिश्ता ख़त्म कर लिया, उसी तरह से बिना सोचे समझे वो अचानक से आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। और अपने जो भी आप थोड़ा सा भी आपने नखरे दिखाया या थोड़ा सा भी आपने पीछे हटने की कोशिश की, तो वो सारी बातें याद दिलाना शुरू कर देंगे आपको, जो आपने और उन्होंने बातें की थी, जहाँ आप लोग जाकर बैठते थे और जहाँ आप लोग ने मतलब वीडियो कॉल पे भी आप लोग ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, अब वो सारी बातें याद दिलाने लग जाएंगी। और वो इस तरह का उनका बिहेवियर होगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो या ऐसे कैसे कर सकती हो तुम, हालांकि धोखा उन्होंने दिया होगा, मैं तुम्हारे पास तो आया हूँ सब कुछ छोड़कर। उनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड सा होगा, लेकिन आपको ना हंसी आएगी कि ये चीज़ें मुझे पता थी तुम कैसे बिहेव कर रहे हो या कर रही हो, ओके। यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर सारी पिछली बातें आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर आपने नखरे दिखाए तो। यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है, और वहाँ से उसको काम नहीं चलता है तो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं यूज़ करता है। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मुझे ये पर्सन कि ये आपके पार्टनर जब आपके पास आ भी जाएंगे और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी में, तो भी वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फॉलो करती रहेगी। फिर वो चाहेगी कि वो आपकी आपको छोड़कर उसकी उस पर्सन की लाइफ में चले जाएं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन से दूरी बनानी पड़ेगी आपके पर्सन को भी, और ख़ास तौर पर आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पर्सन अब आप दोनों के बीच में गलतफहमी नहीं करे और नेगेटिव एनर्जीज पे यूज़ नहीं करें, ओके। तो मैं मेजर अरकाना से भी कुछ कार्ड्स लेती हूँ, देखते हैं मेजर अरकाना क्या कहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपको हमेशा ही बच के रहना पड़ेगा, मतलब और अपने पार्टनर को भी बचा कर रखना पड़ेगा। कोई एक पर्सन हो सकता है आपकी तरफ से, कोई एक पर्सन हो सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। अपने रिश्ते को ना ज़्यादा कहते हैं ना, हम लोग जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं और वो रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है तो हम हंसते हंसते खुश होकर सभी को बता देते हैं। इस बार इस रिश्ते को थोड़ा सा छुपा कर रखिएगा और अपने पार्टनर को ये बात अच्छे से समझा दीजिएगा कि मैं दुनिया से नहीं छुपा रहा हूँ ना छुपा रही हूँ, यहाँ पर लोगों की नज़रों से बचाया जा रहा है इस रिश्ते को, ताकि ना तो किसी की नज़र लगे और ना ही कोई तीसरा इंसान हमारे रिश्ते के बीच में आए, ठीक है। लेकिन इस बार जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ पे आपको नज़र रखनी होगी, वो किसके साथ बात कर रहे हैं पहले, अगर आपने ऐसा नहीं किया, ज़्यादा भी उनको लेकर ये सब चीज़ें पाबंदी नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, मतलब उनका पता नहीं चले लेकिन फिर भी ध्यान रखना होगा आपको। क्यों एनर्जीज आ रही हैं ये नहीं पता है, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था भाई, उसका नए से स्टार्ट होगा, नए से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपके पार्टनर अगर किसी भी थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको छोड़कर, उसको छोड़कर ये जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उसको फिर से वापस से शुरू करेंगे। डेथ द हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला था यहाँ पर कि दो बार की, एक पर्सन आपकी तरफ से एक पर्सन उनकी तरफ से है जो गलतफहमी और नेगेटिविटी फैला रहा है आपके रिश्ते में। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी इंट्यूशंस तेज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी थॉट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि सॉरी हाँ भाई थर्ड पार्टी है, मेरा गला चौक हो रहा है बार बार। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, ओके, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, ओके। द मैजिशियन, देखो यहाँ पर कार्ड आ गया हुआ है, मैनिफेस्ट करो आप लोग अपने थॉट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये सारी चीज़ें आप पे और आपके पार्टनर पे और इस रिश्ते पे हावी नहीं हो सके। सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर फिर होगा जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट कीजिए कंटिन्यू और यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए, अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है और यूनिवर्स में आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजनी है। तो यही सारी चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, थर्ड पार्टी का काम तो कर ही रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है आप लोग के रिश्ते में, नेगेटिव एनर्जीज यूज़ कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इस रिश्ते को फिर से ख़त्म करें थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ आएँ वापस से, ठीक है। इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने रिश्ते को हील कीजिए, नेगेटिविटी रिमूव हो सके अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, बाकी फिर इस बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। थॉट्स के थ्रू ही आप सोच सकते हैं कि हर नेगेटिविटी थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते में से हमेशा के लिए दूर हो गई है। जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे उतना आपके इस रिश्ते के लिए अच्छा होगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है और मेरा पार्टनर हमेशा के लिए मेरे पास आ गया है। ये सारी चीज़ें आप अपने रिश्ते के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान है जो आपके पार्टनर को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो
इतने ज़्यादा समझदार हैं कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।